नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ये ऐलान कर चुके हैं कि वो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। रजनीकांत के इस ऐलान के बाद अब बीजेपी ने कहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो रजनीकांत से समर्थन मांग सकती है। हालांकि रजनीकांत की तरफ से फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी के सीटी रवि ने कहा कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन मजबूत है, लेकिन आने वाले चुनाव में एनडीए का नेतृत्व राज्य में भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। उन्होंने साफ साफ संकेत दिया कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ दल के मुताबिक नहीं चलेगी। इसी दौरान जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि से पूछा गया कि बीजेपी रजनीकांत से समर्थन मांगेगी, तब इस सवाल के जवाब में सीटी रवि ने कहा, हाँ मुझे उम्मीद है हम उनसे समर्थन मांगेंगे। रजनीकांत की पार्टी नहीं बनाने पर सीटी रवि ने अभिनेता की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय और तमिलनाडु के हितों की बात की है। सीटी रवि ने कहा कि वो एक महान नेता है। सीटी रवि ने रजनीकांत से समर्थन वाली बात पर ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ये तो हर कोई जानता है कि मोदी जी और रजनीकांत कितने करीब हैं। वहीं रजनीकांत के समर्थन वाली बात पर एआईएडीएमके ने कहा कि जब रजनीकांत अपनी पार्टी नहीं बना रहे, तब ऐसी स्थिति में वो गठबंधन का समर्थन करेंगे। आपको बता दें, रजनीकांत ने 2 दिन पहले ही ट्विटर पर अपनी तबीयत का हवाला देते हुए एक पत्र शेयर किया था और कहा था कि वो राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे और ना ही चुनावी राजनीति में हिस्सा लेंगे। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा था कि उन्हें इस बात का ऐलान करने में काफी दुख हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।